नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये बेस्टोन का 14 इंच सीआरटी टीवी है, इसमें देख रहे हैं कि पिक्चर प्रॉपर जो है चल रहा है, पर इसमें साउंड जो है बिल्कुल कम है। देख सकते हैं कैमरे को मैं स्पीकर के नज़दीक ले जा रहा हूँ तो इसका साउंड बिल्कुल कम साउंड आ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं इसको ठीक करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये साउंड आईसी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ये सोच के वीडियो को स्किप ना करें कि ये साउंड आईसी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका साउंड आईसी मैं बदल के देख लिया हूँ। तो देख सकते हैं ये साउंड आईसी है इसका, तो ये साउंड आईसी को मैं बदल के देख लिया हूँ, फिर भी साउंड जो बहुत कम आ रहा है। तो आज के वीडियो में देखते हैं इसे कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका साउंड को ठीक करने के लिए मैं किट में क्या क्या काम किया हूं। तो सबसे पहले यहां पे एक कंडेंसर फूला हुआ था तो ये कंडेंसर को मैं चेंज किया, और इसका जो साउंड आईसी है ये आईसी को भी मैं चेंज किया, और यहां पे 18-15 ट्रांजिस्टर है इसको भी मैं बदल के देख लिया हूं। और सबसे पहले तो मैं इसका सप्लाई चेक किया, इस पर सप्लाई जो प्रॉपर मिल रहा था, तो इतना काम करने के बाद भी हमारा जो साउंड का प्रॉब्लम था वो ठीक नहीं हुआ। तो इसका साउंड को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, इसका दो ट्रिक है जिसे आप फॉलो करेंगे तो किसी भी टीवी में साउंड का प्रॉब्लम 100% जो है ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 18-15 जो ट्रांजिस्टर है इसको सिर्फ ओपन कर देना है। तो ये 18-15 ट्रांजिस्टर को यदि आप हटा देंगे तो इसका साउंड 100% ठीक हो जाएगा, परंतु एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वो क्या, रिमोट से जो होता है वो म्यूट बटन नहीं काम करेगा। मतलब कि रिमोट से म्यूट कर देने से जो साउंड कम हो जाता है वो आपका काम नहीं करेगा, उसे आप वॉल्यूम की से ही कम करना पड़ेगा, मतलब कि म्यूट बटन काम नहीं करेगा ये ट्रांजिस्टर खोल देने से। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड तो हमारा पर ठीक हो जाएगा। और दूसरा ट्रिक क्या है कि यहाँ पे 4.7 में 50 वोल्ट का कंडेंसर होता है, ये वाला कंडेंसर। तो आपका टीवी में कंडेंसर का मान कुछ अलग भी हो सकता है, तो यहाँ का ये जो कंडेंसर होता है इसको खोल करके ये जो आईसी पर से ऑडियो आता है ये ऑडियो को चेक करना है हाथ रख करके। हाथ रखेंगे तो स्पीकर में टर टर का आवाज़ आएगा, तो वो वाला पिन से जो क्या करना है, एक जम्फर लेना है, और ये जम्फर यहाँ से ले करके ये जो सॉकेट होता है ऑडियो वीडियो का जो सॉकेट होता है उसमें ऑडियो का दोनों चैनल पे आपको जम्फर कर देना है। तो इससे क्या होता है कि जो रिसीवर का प्री होता है वो डायरेक्ट इसका ऑडियो में अटैच होगा, तो इससे आपका साउंड जो 100% जो है ठीक हो जाएगा। तो दोनों प्रॉब्लम को आप बारी बारी से जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर ये ट्रांजिस्टर को खोलने के बाद में किसी तरह अगर साउंड नहीं भी आया तो ये जो दूसरा ट्रिक मैं आपको बताया ये 100% काम करेगा। तो चलिए बारी बारी से हम दोनों ट्रिक को आजमाते हैं इस टीवी में और देखते हैं कि इसका साउंड प्रॉब्लम ठीक होता है या नहीं। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को मैं अलग कर लिया हूँ, मतलब कि यहीं से इसका लेग को मैं काट के अलग कर लिया हूँ, देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ, और लाइन देने के बाद में देख सकते हैं मैं टीवी में और कुछ भी काम नहीं किया हूँ। और चलिए ये स्पीकर का वायर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ, और लाइन देने के बाद में देखेंगे कि थोड़ा सा साउंड आवाज़ करेगा क्रिक से। तो मैं लाइन दे रहा हूँ इसमें, तो देख सकते हैं इस तरह से आवाज़ करेगा, पर हमारा साउंड जो आ जाएगा ये किसी भी टीवी में आप तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका साउंड जो है बिल्कुल जो है प्रॉपर ढंग से आ रहा है, पर म्यूट बटन रिमोट से काम नहीं करेगा और वॉल्यूम इसका कम बेसी करेगा। मैं आपको वॉल्यूम भी चेक करके दिखा देता हूं रिमोट से। देख सकते हैं रिमोट से हमारा प्रॉपर काम कर रहा है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और कुछ सुझाव देना तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।